नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। भारत सहित कई बड़े देशों में इच्छा मृत्यु करने की मंजूरी नहीं है। ऐसे में स्विट्जरलैंड सरकार ने आत्महत्या करने की मशीन को ही मंजूरी दे दी है। जी हां, इस खबर की सुर्खियां फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां आपकी खास जानकारी के लिए बता दें कि स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु की मंजूरी कानूनी तौर पर मिली हुई है। इन सबसे परे अब मशीन को भी कानूनी हक मिल चुका है। इस मौत की मशीन को एग्जिट इंटरनेशनल नाम की संस्था ने बनाया है, जहां कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर फिलिप निट्सके का दावा है कि इस मशीन से किसी भी व्यक्ति की बिना दर्द के एक मिनट के अंदर अंदर मौत हो जाएगी। बता दें कि इसके जरिए ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम कर दिया जाता है। जबकि इस मशीन के आकार की बात करें, ये मशीन किसी ताबूत की तरह नजर आ रहा है। मौत की मशीन को डॉक्टर डेथ भी कहा जा सकता है। जी हाँ, अब यहाँ डॉक्टर डेथ बनाने के पीछे कंपनी ने एक खास कारण बताया, जहाँ उनका कहना है कि इस मशीन को ऐसे बीमार लोगों के लिए तैयार किया गया है जो गंभीर बीमारी की वजह से हिलडुल भी नहीं पाते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत के मशीन को व्यक्ति अंदर से ही ऑपरेट कर सकता है। खास बात यहाँ ये है कि इच्छा मृत्यु करने वाला शख्स इसे अपने पलके झपकाकर चला सकता है। इस मशीन में बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल को लगाया गया, जिसे ताबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक मिनट के अंदर मौत देने वाली इस मशीन को स्विट्जरलैंड सरकार ने सरको नाम दिया है, जिसका फिलहाल ओरिजिनल मॉडल पेश किया गया। यहाँ कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर निट्सके ने अपनी इस खास मशीन को लेकर बताया कि अगर सब ठीक रहा तो अगले साल तक ये मशीन उपलब्ध कर दी जाएगी। ये अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन हम इसके काफी करीब हैं। फिलहाल जब से ये खबर बाहर निकल कर आई है कि स्विट्जरलैंड ने डेथ मशीन जैसी उपकरण को इच्छा मृत्यु करने के लिए कानूनी तौर पर मंजूरी दी है, दुनिया भर में इसकी अपने अपने तरीके से आलोचना हो रही है। लोग सीधे तौर पर इस मशीन को बनाने वाली कंपनी को निशाने पर ले रही है। वहीं आलोचकों ने ये आरोप लगाए हैं कि इसकी वजह से लोगों में आत्महत्या करने की भावनाएं और भी उभरेगी, जहां इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीन की मंजूरी देने पर सोशल मीडिया में स्विट्जरलैंड की सरकार को भी घेरा जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एग्जिट पोल का आंकड़ा ये कहता है कि एक अकेले स्विट्जरलैंड में 1300 लोगों ने दूसरों की मदद से आत्महत्या की थी। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये डेथ मशीन और भी जाने ले सकती है। फिलहाल एग्जिट इंटरनेशनल नाम की इस कंपनी ने अब तक 2 ऐसे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए हैं, जबकि तीसरे पर काम जारी है। संभवतः जैसा कि कंपनी दावा कर रही है, ये अगले साल तक तैयार हो जाएगी। अब यहाँ इस डेथ मशीन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।